हेलो दोस्तों, वेलकम टू यास्मिन्स किचन। आज मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ ड्राई चिकन रेसिपी, जिसे हम बनाएंगे रेस्टोरेंट स्टाइल में। ये रेसिपी यमी डिलीशियस होने के साथ साथ थोड़ी सी तीखी भी होती है और इसे ज्यादातर उत्तर प्रदेश, बिहार, तेलंगाना में बनाकर सर्व किया जाता है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। ड्राई चिकन बनाने के लिए हमें चाहिए 750 ग्राम जैसा चिकन, सूखे मसालों में काली मिर्च पाउडर, जीरा पाउडर, हल्दी पाउडर, नमक, धनिया पाउडर और कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। और उसके बाद हरी मिर्च का पेस्ट, अदरक लहसुन का पेस्ट, बारीक कटे हुए टमाटर, खड़े मसालों में दालचीनी, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, तेजपत्ते और बारीक कटे हुए प्याज। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले कर लेंगे चिकन को मैरिनेट, जिसके लिए मैंने एक कटोरी में सारे चिकन को डाल दिया है। फिर हम लोग डालेंगे इसमें थोड़ा सा नमक। यहाँ पर हम लोग ज्यादा नमक इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि अभी हमें ग्रेवी बनाते वक्त भी नमक का इस्तेमाल करना है। फिर हल्दी और लास्ट में कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। अब हम इन सारे मसालों को हाथ से चिकन के ऊपर अच्छे से मिलाएंगे, जिससे मसालों की एक अच्छी सी कोटिंग लग जाए। अच्छी सी कोटिंग लेयर लगने के लिए हम चिकन के एक एक पीस को हाथ में लेकर मसालों को अच्छे से लगाएंगे। मसालों को अच्छे से लगा लेने के बाद इसे हम आधे घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए रख देंगे। अगर आपके पास टाइम की कमी है तो इसे आप डायरेक्ट फ्राई कर सकते हैं, लेकिन इसे अगर आधे घंटे के लिए भी मैरिनेट करने के लिए रख देते हैं तो इसे इसका टेस्ट काफ़ी हद तक अच्छा आएगा। चिकन को आधे घंटे तक मैरिनेट कर लेने के बाद इसे अब हम लोग भून लेंगे, जिसके लिए हम लोगों ने एक पतीले में सरसों का तेल ले लिया है। अब हम इसे गरम कर लेंगे। तेल गरम हो जाने के बाद इसमें हम लोग डाल देंगे मैरिनेट किए हुए चिकन के सारे पीसेस। यहाँ पर हम लोग चिकन को इसलिए भून रहे हैं क्योंकि हम लोग ड्राई चिकन बना रहे हैं। ड्राई चिकन में चिकन का भूनना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि इसी से इसका टेस्ट काफी हद तक बढ़ जाता है। अब हम इसे 10 से 12 मिनट के लिए मीडियम टू हाई फ्लेम पर भूनेंगे, जब तक इसकी कलर ब्राउन ना हो जाए और इसकी पानी पूरी तरह से ड्राई ना हो जाए। और हमें पता कैसे चलेगा कि चिकन की जो पानी वो पूरी तरह से ड्राई हो चुकी है? इसका ये साइन है कि जब इसे हम चम्मच से चलाएंगे तो ये नीचे से चिपकेगी नहीं और बहुत ही आसानी से इसे हम चला पाएंगे। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, जैसे जैसे हमारी चिकन की पानी ड्राई हो रही है, ये नीचे से चिपकना छोड़ रही है। यहीं पर अगर चिकन की पानी ड्राई नहीं हुई होती तो ये नीचे से चिपकती और इसे चलाते वक्त भी दिक्कत होती और चिकन टूटने का भी डर रहता। चिकन को 10 से 12 मिनट तक मीडियम टू हाई फ्लेम पर भून लेने के बाद इसकी पानी पूरी तरह से ड्राई हो चुकी है और ये नीचे से बिल्कुल भी नहीं चिपक रही है। तो अब हम इस भुने हुए चिकन को एक प्लेट में निकाल लेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारी चिकन कितने अच्छे तरीके से भुनी है और इसकी पानी भी पूरी तरह से ड्राई हो चुकी है। अगर आप इसे चाहे तो टोमेटो केचप या फिर हरी चटनी के साथ भी खा सकते हैं, ये ऐसे भी बहुत अच्छी लगती है। पर हमें इसे मसालों के साथ बनाना है, तो चलते हैं मसाला भूनने के प्रोसेस की तरफ, जिसके लिए हम लोगों ने इसी पतीली में थोड़ा सा और सरसों का तेल ले लिया है। तेल गर्म हो जाने के बाद हम लोग डालेंगे सारे खड़े मसाले, जिसमें हम लोगों ने लिया है दालचीनी, बड़ी इलायची और तेजपत्ते। हम लोग इसे 30 से 40 सेकंड के लिए तेल में भून लेंगे, जिसे इसकी अरोमा तेल में आ जाए। खड़े मसालों को कुछ देर तक तेल में पका लेने के बाद अब हम लोग इसमें डालेंगे बारीक कटे हुए प्याज। यहाँ पर मैंने प्याज के एक एक लेयर्स को अलग कर लिया है, इससे प्याज जल्दी से फ्राई भी हो जाएंगे और आपस में चिपकेंगे भी नहीं। यहाँ पर हम लोग प्याज को ज्यादा नहीं भूनेंगे, बस इसमें हल्का सुनहरा कलर आने तक ही भूनेंगे। और हाँ, इसे बीच बीच में चम्मच से चलाते रहेंगे ताकि नीचे से जले या चिपके ना। अब यहाँ पर हमारी प्याज हल्की सुनहरी कलर की हो चुकी है, तो अब हम लोग इसमें डाल देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट और हरी मिर्च का पेस्ट। और हम लोग इसे मीडियम फ्लेम पर जब तक भूनेंगे तब तक इसकी पानी पूरी तरह से ड्राई ना हो जाए। यहाँ पर हमारे मसालों की जितनी भी पानी थी वो अच्छी तरह से ड्राई हो चुकी है और चिकन को फ्राई करते वक्त जितने भी मसाले पतीली में चिपकी हुई थी वो अदरक लहसुन के साथ अच्छे से मिल गई है। अब हम लोग डालेंगे इसमें कटे हुए टमाटर, अगर आप चाहे तो यहाँ पे टोमेटो प्यूरी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर डालेंगे हम लोग नमक। यहाँ पर हम लोग नमक का इस्तेमाल थोड़ा कम ही करेंगे, क्योंकि हमने चिकन को मैरिनेट करते वक्त भी नमक का इस्तेमाल किया था। और यहाँ पर नमक और टमाटर को मसालों के साथ अच्छे से मिला लेंगे। अब हम लोग थोड़े से पानी का इस्तेमाल करेंगे ताकि पतीले की साइड में जितने भी मसाले लगे हैं वो बीच में आ जाए और टमाटर जल्दी से गल जाए। मसालों को पानी में अच्छे से मिला लेने के बाद इसे 2 से 3 मिनट के लिए ढककर मीडियम फ्लेम पर कुक करेंगे, जिससे टमाटर अच्छे से गल जाए। 2 से 3 मिनट तक पकाने के बाद यहाँ पे टमाटर अच्छे से गले नहीं है, तो इसे हम लोग चम्मच से थोड़े थोड़े से दबा देंगे ताकि टमाटर अच्छे से मैश हो जाए। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं हमारे टमाटर मसालों के साथ अच्छे से मैश हो चुकी है। अब हम लोग डालेंगे इसमें सारे सूखे मसाले, जिसमें मैंने डाले 1 चम्मच भरकर धनिया पाउडर, 1 चम्मच जीरा पाउडर, आधी चम्मच हल्दी पाउडर और थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। अब हम सारे सूखे मसालों को अदरक लहसुन के साथ अच्छे से मिला लेंगे। फिर इसमें डालेंगे आधी चम्मच जैसा काली मिर्च पाउडर और इसे भी सारे मसालों के साथ अच्छे से मिला लेंगे।
सारे मसालों को अच्छे से मिला लेने के बाद अब हम लोग डालेंगे इसमें थोड़ा सा पानी। यहाँ पर हम लोग पानी का इस्तेमाल इसलिए कर रहे हैं जिससे पतीली की साइड में जितने भी मसाले लगे हुए सारे मसाले बीच में आ जाएंगे और मसाले नीचे से चिपकेंगे नहीं। पानी को अच्छे से मसालों में मिला लेने के बाद अब हम लोग इसे मीडियम फ्लेम पर एक मिनट के लिए मसालों को भूनेंगे। यहाँ पर हमें ज़्यादा देर तक भूनने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अदरक लहसुन पहले से भुने हुए हैं और सूखे मसालों को ज़्यादा भूनने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। एक मिनट जैसे सारे मसालों को भून लेने के बाद अब हम लोग डालेंगे इसमें फ्राई किए हुए सारे चिकन की पीसेस। यहाँ पर सारे चिकन को हम लोग मसालों के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। चिकन को मसालों के साथ मिलाते वक्त यहाँ पर चिकन हल्के हल्के नीचे से चिपक रही है तो हम लोग यहाँ पे थोड़े से पानी का इस्तेमाल करेंगे। बाई चांस अगर आपकी भी चिकन नीचे से चिपकने लगे तो आप लोग भी थोड़े से पानी का इस्तेमाल कर ले, इससे हमारी चिकन नीचे से चिपकेगी नहीं। चिकन को मसालों के साथ अच्छे से मिला लेने के बाद इसे हम लोग मीडियम फ्लेम पर 3 से 4 मिनट के लिए भूनेंगे जिससे मसाले चिकन के अंदर तक एब्जॉर्ब हो। इसे हमें ज़्यादा देर तक भूनने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारे चिकन और मसाले ऑलरेडी भुने हुए हैं। यहाँ पर चिकन को 3 से 4 मिनट तक भून लेने के बाद ग्रेवी के लिए थोड़े से पानी का इस्तेमाल करेंगे और यहाँ पर भी हम लोग पानी को मसालों में मिला लेंगे। तो पानी को मसालों में मिला लेने के बाद इसे हम लोग 3 से 4 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर कुक करेंगे जिससे इसकी जो ग्रेवी है वो थिक कंसिस्टेंसी की हो जाए। 3 से 4 मिनट तक हाई फ्लेम पर कुक कर लेने के बाद हमारी चिकन की ग्रेवी थिक कंसिस्टेंसी की बनकर तैयार हो चुकी है। तो ये रही हमारी सिंपल और इजी मेथड में बन जाने वाली ड्राई चिकन की रेसिपी जो कि दिखने में स्पाइसी एंड जूसी लग रही है और देखते ही टेस्ट करने का भी मन हो रहा है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और आपने कुछ भी सीखा हो तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करके बताएं कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस रेसिपी के ऊपर चाहिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ, तब तक आप इस रेसिपी को घर पर जरूर ट्राई करें।